दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल फॉर्मूला यूपीएससी में। आज हम आप सबके साथ बात करने जा रहे हैं 2016 के यूपीएससी अथवा सीएससी टॉपर यानी रैंक वन होल्डर नंदिनी के आर के बारे में। 2016 में करीब 460,000 लोगों ने एग्जाम दिया था, बट इन फर्स्ट राउंड ओनली 1099 कैंडिडेट सिलेक्टेड। लगातार 3 सालों से ही ये एग्जाम लड़कियां टॉप करती आ रही हैं। नंदिनी के आर 2016 के टॉपर रही हैं। उन्होंने अपनी 10th कर्नाटका के कोलार में की है, 12th बैंगलोर में एंड ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में बैंगलोर से किया है। ग्रेजुएशन के बाद 2 साल तक उन्होंने कर्नाटका में PWD इंजीनियर रही थी। सबसे बड़ी बात जो है उनके बारे में, उन्होंने ये एग्जाम 4th अटेम्प्ट में क्लियर किया है। उनकी 3rd अटेम्प्ट में ही उन्हें 849 रैंक मिली थी। उसके बाद उन्होंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस में ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें IAS बनने की जो जुनून थी उनमें, वो उनको 4th अटेम्प्ट में सक्सेस दिलाया, बल्कि वो टॉपर बन गई। In this case, I remember one quote by Napoleon Hill. Most people have attained their greatest success just one step beyond their greatest failure. नंदिनी केआर को ये उनकी सक्सेस रातों रात नहीं मिली थी, उन्होंने मेहनत करने के बाद ही ये सक्सेस हासिल की थी। उनकी जो ऑप्शनल पेपर थी वो कन्नड़ लिटरेचर थी, और उनके पापा गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं और उनकी मदर हाउसवाइफ है और उनके भाई ग्रेजुएशन कर रहा है। उन्होंने अपने सक्सेस की सारे श्रेय अपने पेरेंट्स को देती हैं। उन्होंने फेलियर से ही सीखा और आगे बढ़े। लास्ट में उनकी एक बात कहना चाहूंगी, इफ आई गिव माय बेस्ट आई विल बी एबल टू रियलाइज माय ड्रीम वन डे। कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर आवर वीडियोस। धन्यवाद।